नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक इम्पॉर्टेंट मैसेज लेकर आया हूँ। अभी आप ये देख रहे होंगे, गोल्डन डेक है, गोल्डन का मैकेनिज्म है ये। इस हेड पे आपको कुछ स्पॉट्स दिख रहे होंगे चूने टाइप का। ये हर किसी के डेक में होता है, और ये चलते चलते कैसे ये समस्या होने लगती है। और ये कोई घबराने वाली बात नहीं है, ये होता है। ये दरअसल ये मॉइस्चर है, यानी कि नमी के कारण ये होता है। आपके जब भी मौसम, जैसे सर्द मौसम हो गया या फिर बारिश का मौसम हो गया, ऐसे में नमी होने के वजह से जो रील चलती है, वो नमी के कारण ये कार्बन होता है वैसे हेड ये। तो इस हेड में जब वो मैग्नेटिक रील चलती है तो वहाँ पर नमी बनती है, उसके बाद फिर ये चूनी जैसा स्पॉट्स होने लगता है। एक तरह से इसको डस्ट कहा जाता है, ये डस्ट ही है। तो अगर ऐसा जब भी हो आपके डेक में, तो आप इसको क्लीन करें कंटिन्यू, अदरवाइज आपके रील को ख़राब कर देगा, कैसेट को ख़राब कर देगा। हर एक गाने पे 10-20 मिनट 15 मिनट में इसको क्लीन करते रहें। तो यही एक मैसेज था आप लोगों को देने के लिए, शायद इससे पहले किसी ने नहीं बताया होगा, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं दिखाऊँ यहाँ पर आप लोगों को इस तरह के। इसको क्लीन करने के लिए अगर मैं बताऊं तो क्या इम्पॉर्टेंट है, क्या कैसे क्लीन करना चाहिए इसको। इसको आप क्लीन कर सकते हैं किसी कॉटन के कपड़े से, या फिर रुई से कर सकते हैं। मैंने हाथ से करके दिखाया है, आप इसको रुई से भी क्लीन कर सकते हैं किसी क्लीनर के साथ। और इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखें कि आपका हेड हमेशा क्लीन रहना चाहिए, क्योंकि ये हेड आपके रील पे, आपके रील की लेयर पे चलती है। जो डुअल लेयर की रील होती है आपकी मैग्नेटिक, वो रील अगर ख़राब हुआ, उस पर डस्ट जम जाएगा, तो फिर वो हटता नहीं है दोस्तों, साफ़ नहीं होता। लोग कहते हैं कि कैसेट साफ़ हो जाता है, लेकिन कैसेट साफ। तो बस यही एक वीडियो था आज के लिए इतना ही।